लियाना बहुत मेहनत करती आ रही है। बहुत हुआ, अब रेस्ट करने का वक्त है। मुझे एक अल्ट्रा रिच वेकेशन चाहिए, ये काफी है। वाह, बिल्कुल। और जल्दी करो, मैं जल्दी में हूँ। एंजॉय करना। शुक्रिया ओशन, मेरा इंतजार करना, मैं आ रही हूँ। समर के लिए रिच मिशेल की भी कई बड़े प्लान्स हैं। आपकी ट्रिप मिस, आपको बहुत मजा आएगा। रिच वेकेशन के लिए आपको कई पैसे खर्च करने होंगे। मेरे लिए अच्छा सोचना, मेरे लिए अच्छा सोचना। एनी कहाँ जाएगी? उसका वॉलेट खाली है। मुझे वेकेशन पर जाना है, ज्यादा पैसे नहीं है, टफ है। क्या सोच सकते हैं? मेरे पास एक आइडिया है, टूरिस्ट रूट वाला मैप। वादा है मिस, आप बोर नहीं होंगी। वाह, हाइकिंग में कितना मजा आता है। क्या पता मुझे कोई खजाना मिल जाए। एक रिच टूरिस्ट वेकेशन पर सारा बेस्ट सामान लेकर जाता है। मेरी ड्रेसेस भी बीच पर जा रही हैं। मिशेल हर पार्टी की क्वीन होगी। ओह, ये यहाँ कैसे आया? बिल्कुल नहीं, मिशेल को अलग अलग कपड़े पहनने की आदत है। ठीक है, कपड़े तैयार हैं। अब सूटकेस में रखने होंगे। बहुत आसान है, पर एक प्रॉब्लम है। चलो भी, बंद हो जाओ। मिशेल ने कुछ ज्यादा ही भर डाला, सूटकेस सहन नहीं कर पाया। अरे तुम रुको जरा। कैया, मिशेल ने कर दिखाया, अब आराम कर सकते हैं। और इसे भी ले चलते हैं, क्या पता काम आ जाए। और गरीब टूरिस्ट वेकेशन पर सिर्फ जरूरत की ही चीजें लेकर जाते हैं। एनी मास्टर क्लास देने वाली है। सबसे पहले एंटरटेनमेंट और हाँ एक्सरसाइज, रास्ते में सब काम आता है ना? बस कुछ भूलना नहीं है, शायद काफी है। और आखिर में चेस, ताकि मैं बोर ना हो सकूं। एनी अपने स्केटबोर्ड के बगैर कहीं नहीं जाती। चलो जाओ अंदर, बहुत जगह है और सेफ्टी जरूरी है। फायर एक्सटिंग्विशर हमेशा काम आता है। लकी हैट कहाँ है? चलो मेरी कीमती हैट। सफर शुरू करने का वक्त हो गया है, बहुत दिलचस्प होगा। और लियाना को कोई जल्दी नहीं है। रुको, बहुत हुआ, मेरा सामान कहाँ है? मैं आ गया मिस लियाना, सामान पैक हो गया है। ये सब किस लिए? पुराने कपड़ों को छोड़ दो, मुझे तुम्हें सब सिखाना क्यों पड़ता है? मैं तंग आ चुकी हूँ। अल्ट्रा रिच टूरिस्ट को सामान ले जाने की कोई जरूरत नहीं होती, सिर्फ कवेटेड केसेस में। ये है सभी ओकेशन के लिए गोल्ड कार्ड्स। लियाना उसी वक्त अपने लिए सब नया खरीदेगी। चलो एडवेंचर पर चलें। बीच यही कहीं आसपास है, एनी को महसूस हो रहा है। बस थोड़ा जंगलों से गुजर कर जाना होगा। और मिशेल प्लेन से जा रही है, उसे कम्फर्ट की आदत है। एनी के पास एक प्लान है, मुझे कोई राइड ढूंढनी होगी, इस तरह जल्दी पहुंचा जा सकता है। चलकर बहुत अजीब है, मिशेल टी पार्टी कर रही है। कितना बुरा हुआ, सड़क पर एक भी कार नहीं है। प्लीज मुझे बहुत जरूरत है। हे कोई तो सुनो, मुझे ग्रैंड कैनियन तक छोड़ दो। वेकेशन खतरे में है। और लियाना लाइट की स्पीड से वेकेशन पर पहुंची। मैं तैयार हूँ, इंजन स्टार्ट करो। बिल्कुल नहीं, एनी भी जल्दी ही पहुंच जाएगी, वो स्केटबोर्ड लाई है। चलो चलें, बहुत बढ़िया राइड होगी। लियाना को बेस्ट सीट मिली, वो पूरी दुनिया देख सकती है। पर एनी भी अच्छा कर रही है। स्केटबोर्ड, आह कितनी गरीब है। हेलो स्पेस, किसी की किस्मत में पर्सनल ट्रांसपोर्टेशन है। और एनी को जंगल से होकर जाना होगा। कोई है? और ये मच्छर बहुत तंग करते हैं। पर एनी ने फिर भी कर दिखाया, वेकेशन भी अच्छी जाएगी। वेकेशन पर क्या करते हैं? जाहिर है आराम। और चलो मसाज से शुरू करें। स्वागत है, कंफर्टेबल हो जाइए। मिशेल तैयार है, ये एक फर्स्ट क्लास ब्यूटी सेशन होने वाला है। पर मिशेल को बहुत बड़ा सरप्राइज मिलने वाला है। रिच क्लाइंट बहुत अच्छे हाथों में है। हे भगवान, कुछ गड़बड़ है, इतना दर्द क्यों हो रहा है? मिशेल अपना काम अच्छे से जानता है, पहले मसल्स को वार्म अप करना होगा। ये मसाज का मेन रूल है।
अभी इसी वक्त रुक जाओ, हिलिए मत मिस। रिच क्लाइंट्स बहुत नखरे करते हैं और आखिर में बेस्ट पार्ट रिलैक्सिंग जार्स, मना कौन कर सकता है, बस खत्म होने वाला है। फिनिशिंग टच और हो गया मिस। दर्द हो रहा है या अच्छा लग रहा है? मसाज बहुत मिस्टीरियस चीज है और लियाना के पास एंटरटेनमेंट के अपने अलग तरीके हैं। वो आज एक अल्ट्रा रिच टूर पर है और शुरुआत के लिए चलो सेल्फीज ले, लड़कियां जेलिस हो जाएंगी। वाह टॉम, सब बिल्कुल असली जैसा है। वाह फेरो को यहाँ दफनाया गया था, क्या बात है। मुझे गुड लक के लिए इसे रब करना चाहिए, क्या पता विश पूरी हो जाए। हेलो माय डियर, मैं हूँ क्लियोपेट्रा। पहचाना? विश्वास नहीं होता, क्लियोपेट्रा खुद। तुम बहुत खूबसूरत हो और कितना गोल्ड है। सेल्फी ले, स्माइल। मेरे साथ आओ लियाना। हाँ आ रही हूँ। ओह डरावना है, ये कौन है? कोई बात नहीं, चाय पियोगी? और क्यों ना टॉम में पार्टी की जाए। क्वीन जानती है मस्ती कैसे करते हैं। वीआईपी गेस्ट को सबसे अच्छी सर्विस मिलती है, पर वक्त बहुत जल्दी बीत जाता है। अब मुझे जाना होगा डियर, फिर कभी जरूर आना। फिर मिलेंगे क्लियो। अगर आप एक गरीब टूरिस्ट हैं, तो आप दुनिया कैसे देखेंगे? बस वीआर ग्लासेस पहने। $1, मुझे एक सेशन चाहिए प्लीज। नहीं नहीं टिप नहीं, ये $2 है। चेंज कहाँ है लड़के? जैसी आपकी मर्जी मिस। सीट बेल्ट पहन ले, हम दुनिया घूमने जा रहे हैं। ओह वाह कितना कूल है, बहुत कमाल का है। एनी दुनिया की मास्टर है, काश मैं यहाँ हमेशा रह सकती। पर एनी भावनाओं में कुछ ज्यादा ही बह गई। ध्यान से, लगता है उसे चक्कर आ रहे हैं। सफर खत्म हो गया, अब रियलिटी में वापस आना होगा। उप्स, माफ करना, मैंने जानबूझकर नहीं किया, यहाँ से निकलना होगा। हे दोस्तों देखो मैं कहाँ हूँ, बीच पर। क्या तुम सोच सकते हो, जल्दी मिलेंगे और सी पर बोर भी नहीं हो सकते। लाइफगार्ड बहुत सुंदर है, उसका दिल कैसे जीता जाए। मेरे पास एक आइडिया है। ओह मुझे हीट स्ट्रोक हो रहा है, मैं मेल्ट हो जाऊंगी। काम बन गया, लाइफगार्ड को जाना होगा। इतनी देर क्यों लग रही है? ओह हाँ वो मदद के लिए आ रहा है। मिस मैं आ गया, मैंने पकड़ लिया, तुम मेरे हीरो हो। प्रिंसेस तुम बहुत खूबसूरत हो, प्यार कभी भी हो सकता है। सनसेट के पास चलते हैं। ओह छोटा सा एक्सीडेंट हो गया। ब्रेंडन तुम ठीक हो? जब मैं तुम्हारे साथ होता हूँ तो किसी चीज से डर नहीं लगता। मिशेल गरीब टूरिस्ट का भी रोमांस होता है। वाह कितना हैंडसम लड़का है, क्या पता प्यार हो जाए। मैं आ रही हूँ लव, कहीं जाना मत। मेरा नाम एनी है, मिलकर अच्छा लगा। कुछ कहो मत, फिशरमैन ज्यादा बातचीत नहीं करते। पर कोई बात नहीं, एनी तो बोल सकती है। अजीब बात है पर किसी वजह से एनी का क्रश खुश नहीं है कि तुम्हारे लिए पसंद आया। कुछ काम नहीं कर रहा, वो बहुत उदास है। एनी जानती है उसे खुश कैसे किया जाए। हनी तुम्हें गर्मी लग रही है, देखो मेरे पास क्या है। इस लव स्टोरी का कुछ नहीं हो सकता, क्या कोई फिश है? खींचो खींचो, चलो भी मेरी जान तुम ये कर सकते हो। और कितनी देर, मैं तुम्हें नहीं जानता, जाओ यहाँ से। एनी का दिल टूट गया, बहुत बेरहम है। मैं जा रही हूँ मेरी जान, और मुझे रोकना मत। बस बहुत हुआ, अब मैं कभी किसी लड़के के प्यार में नहीं पड़ूंगी। जाओ और कभी मत आना। कैसे कैसे लोग हैं, सारी फिशेस को डराकर भगा दिया। लियाना के पास अपना खुद का बीच है, जिंदगी बहुत अच्छी है। यहाँ किसने वॉक करने का सोचा, कितना क्यूट है और साफ दिख रहा है। वो कम से कम एक बिलियनेयर तो है ही, मुझे उससे मिलना है। मेरे लिए रुको, मैं तुम्हारे साथ दुनिया घूमना चाहती हूँ। पर कुछ काम नहीं करेगा, इस प्रिटी बॉय को सिर्फ गेम से मतलब है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, गुस्सा आ रहा है। नहीं हम कोई कपल नहीं है, सुना? अजीब इंसान,
क्या वो बीच पर मस्ती करने आया था? अल्ट्रा रिच लियाना की वाइब ही अलग है और एनी की वेकेशन खतरे में है। वो मच्छरों से भी नहीं बच सकती। ही, क्या कर रहे हो? मुझसे दूर हो जाओ। अरे नहीं, ये फिर से। और लगता है इसे मच्छरों से बचना आता है। वो जीनियस है और एनी पर मच्छरों का हमला हो रहा है। बचाओ, तुम्हें जंगल में नहीं आना चाहिए था। मच्छर तुम्हें खा जाएंगे। ये एक तरफा लड़ाई है, मच्छर जीत रहे हैं। मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगी। ओह, दर्द हो रहा है और बहुत खुजली भी। जब मस्कीटो रिपेलेंट पास हो तो डरने की कोई बात नहीं होती। क्यों ना गरीब टूरिस्ट से शेयर कर लिया जाए। ठीक है, ही, यहाँ आओ, ये तुम्हारे लिए। शुक्रिया। एनी अब बिल्कुल सुरक्षित है। अब कोई मच्छर उसके पास नहीं आएगा। शुक्रिया। वैसे मैं एनी हूँ, उम्मीदें मत लगाओ। चलो भी ऐसा मत करो, अब दोनों दोस्त हैं। ब्रोक वेकेशन बिल्कुल भी बोरिंग नहीं है। हम फोटो लेना नहीं भूल सकते। अगले समर के लिए काफी यादें हैं।